जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अभ्यंग क्रिया, यानी कि मालिश, पैर के तलवों की मालिश। आप पैर के तलवों की मालिश करके किस प्रकार से अपने शरीर की गर्मी को कम कर सकते हैं। जो अभ्यंग क्रिया मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि ये जो मालिश है पैर के तलवों की, ये किस प्रकार से की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभ्यंग क्रिया होती क्या है। अभ्यंग क्रिया एक तरह की मालिश होती है। ये पूरी बॉडी की भी होती है, लेकिन जो मैं मालिश आपको बताने जा रही हूँ वो है पैर के तलवों की मालिश। पैर के तलवों की मालिश करने के बहुत सारे फायदे हैं। यह मांसपेशियों को उत्तेजित करती है और हमारे तनाव को कम करती है। यह हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है और हमारे घुटनों और कंधों के जो दर्द होते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देती है। पैरों की जो नंबनेस होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। पैरों के फफोले और कौन जैसी समस्याओं का भी ये इलाज करता है। जो अभ्यंग क्रिया मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मालिश मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें कांसे की कटोरी का प्रयोग होता है और इसमें तिल के तेल का प्रयोग होता है। इसमें कांसे की कटोरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है इस मालिश में। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसका अच्छी तरीके से लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। चलिए ये देखिए, ये तिल का तेल लिया है हमने। अब इसको हाथ में थोड़ा सा लेके पैरों पे लगा देंगे। तेल लगाने से पहले आपको अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोकर पोंछना है। यह मसाज आपको सोने से पहले करनी है ताकि आपको नींद अच्छी तरीके से आ सके। देखिए, तेल को अच्छी तरीके से लगा लिया है। ब्लड प्रेशर से भी यह बचाव करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। ये देखिए, इसमें कांसे की कटोरी ले ली है। अब अच्छी तरीके से देखिए कि कांसे की कटोरी से किस तरीके से मसाज की जाती है। देखिए, इस तरीके से मालिश करनी है। इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल तरीके से मालिश करनी है। कांसे की कटोरी से मसाज करने से शरीर की गर्मी निकलती है। शरीर की गर्मी की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे गला सूख रहा था, पैरों में जलन हो रही थी या आपके बाल सफ़ेद हो रहे थे, एसिडिटी की समस्या हो रही थी, आपको खाज खुजली की जो समस्या थी, ये सारी समस्याएं इस मसाज से दूर हो जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड खुद मसाज कर रहे हैं और कितनी गर्मी शरीर से बाहर निकल रही है। देखिए, आपको दिख रहा है पैरों में ब्लैकनेस शुरू हो गई है। ये ब्लैकनेस ही इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर से गर्मी निकल रही है। आप मसाज को अच्छी तरीके से देखिएगा कि किस तरीके से की जा रही है। कांसे की कटोरी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये कांसे की कटोरी का ही चमत्कार होता है जो शरीर की गर्मी को निकालता है। इससे और भी दूसरी समस्याएं दूर होती हैं, जैसे आपको नींद नहीं आती है, आँखों की समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं और जो जोड़ों से संबंधित समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। इससे घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द और शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है वह भी इस मालिश से चला जाता है। सिर से लेके पैर तक सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर पर ही आकर ख़त्म होते हैं। इस मालिश से आपके शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाते हैं। एक्यूप्रेशर होने से आपका पूरा शरीर तरोताज़ा हो जाएगा। इसको रात में करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जिन लोगों के चश्मे का नंबर बार बार बढ़ता है उन लोगों को भी यह मसाज करनी चाहिए। उन लोगों के भी चश्मे का नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा। इससे आप अपनी याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, उन बच्चों को इससे बहुत फायदा होता है। यह आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। आपको इसमें क्लॉकवाइज मालिश भी करनी है। इस मसाज से पैरों की नंबनेस खत्म हो जाती और जो पैरों में थकान होती है वह भी इससे चली जाती है। यह मालिश वृद्धावस्था के असर को कम कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी गर्मी निकली है शरीर से। यह मालिश आपके शरीर की सारी गर्मी को निकाल देता है। ये देखिए, इस मसाज को मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कैसे होनी चाहिए।
इस मसाज को अभ्यंग क्रिया भी कहते हैं। यह मसाज पूरे शरीर में भी की जाती है, लेकिन मैंने आपको केवल पैरों के तलवों की ही मालिश बताई है। पैरों की तलवों की मालिश भी अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके पूरे शरीर की मालिश हो गई है, क्योंकि पैरों के तलवों में सारे के सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनके तप जाने से, जिनके मालिश हो जाने से आपके शरीर की भी मालिश ऑटोमेटिक हो जाती है। अब ये देखिए, अब ये मसाज पूरी कंप्लीट होने वाली है। ये हो गई कंप्लीट पूरी। अब आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से कॉटन के कपड़े से आप पहले पैरों को अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। देखिए ये किस तरीके से पोंछ रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से इसको पोंछना है। अब इसी तरीके से दूसरे पैर में भी मसाज करेंगे। अब ये देखिए, अभी दूसरे पैर में मसाज हो रही है, ठीक उसी तरीके से की है जैसे कि पहले वाले पैर में की थी। मसाज आपको दोनों ही पैरों में बराबर तरीके से करनी है। ये देखिए, कांसे की कटोरी से अच्छी तरीके से मसाज करनी है। अब इस पैर पर भी मसाज जो है कंप्लीट हो गई है। देखिए, इसको भी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। ये देखिए, अब हम अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे जिस तरीके से दबाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके से दबाएंगे। उसके बाद आप अपने पैरों को अच्छी तरीके से धो लीजिए या फिर पूरी तरीके से आप नहा लीजिए। ये देखिए, मसाज कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि कांसे की कटोरी से पैर के तलवों पे मालिश करने के कितने सारे फ़ायदे हैं, मैंने आपको बताया उसमें, और किस तरीके से ये मालिश की जाती है वो भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया। मालिश को कांसे की कटोरी से करने से बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। इस पैर के तलवों की जो मालिश होती है ये सिर्फ कांसे की कटोरी से ही की जाती है। अब बात आती है कि आप कांसे की कटोरी को खरीदें कहाँ से। कांसे की कटोरी बर्तन वालों की दुकान पे भी मिल जाती है और पूजा पाठ वालों की दुकान पर भी कांसे की कटोरी मिल जाती है, और ये अमेजोन में भी अवेलेबल है। अगर आपको बर्तन वालों की दुकान पे ना मिले, पूजा पाठ वालों की दुकान पे ना मिले, तो ये अमेजोन में भी अवेलेबल है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके कांसे की कटोरी को ऑर्डर कर सकते हैं। बात आती है कौन सा तिल का तेल लें। तिल का तेल दो तरीके का होता है, एक सफ़ेद तिल का तेल होता है और एक काले तिल का तेल होता है। आप दोनों में से कोई भी तिल का तेल ले सकते हैं। आप इसमें नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, आप इसमें गाय का देसी घी भी प्रयोग कर सकते हैं, और भी कई तरीके के आयुर्वेदिक तेल आते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिट वाले होते हैं, उनको भी आप इस मालिश में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इसमें तिल के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप ये देखिए कि आपको ये मालिश कब नहीं करनी है, इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब आपको सर्दी जुखाम हो, बुखार हो, तब आपको ये मालिश नहीं करनी है। इस क्रिया को तुरंत खाने के बाद नहीं करना है। शरीर में अगर आपको भारीपन लगता है, किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको दिखती है, तब भी आपको इस क्रिया को नहीं करना है। जब आप मासिक के समय में हो तब भी आप इस क्रिया को ना करें, और सर्दियों के मौसम में भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। इस क्रिया को प्रेगनेंसी के समय में भी नहीं किया जाता है। उल्टी और दस्त में भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। इस मालिश में जब आप इस क्रिया को कर लें, जब ये मालिश कर लें, तो वैसे इसमें नहाना बहुत अच्छा होता है, ऐसे तो ज़रूरी नहीं है नहाना, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के अनुसार कि हमें तेल की मालिश करने के बाद ज़रूर नहाना चाहिए, तो हो सके तो आप नहा लें। और इसको केवल रात के समय में ही करना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से नींद आ सके और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी अभ्यंग क्रिया, जो पैरों के तलवों की जो मैंने मालिश आपको बताई है, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।